गोवर्धन में राधा कुंज बिहारी जी ट्रस्ट के द्वारा भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। गोवर्धन में गिरिराज तलहटी स्थित ब्रह्मलीन संत श्री गया प्रसाद जी महाराज के प्राण प्रिय लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री राधा कुंज बिहारी ट्रस्ट पंजाब द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य श्रीमद् भागवत गीता का अलौकिक आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के व्यासपीठ पर मोहन श्याम ठाकुर जी अपने श्रीमुख से गीता ज्ञान श्रोताओं को दे रहे हैं, जैसे सुनकर श्रोता भाव्य होकर अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। उक्त श्रीमद् भागवत गीता विगत 25 दिसंबर को प्रारंभ हुई, जो नववर्ष के प्रथम दिन यानी 1 जनवरी को समाप्त होगी। आज श्रीमद् भागवत गीता के चौथे दिन कृष्ण जी का जन्म का कार्यक्रम हुआ और बधाई और रासलीला के माध्यम से धूमधाम से लाला का जन्मोत्सव मनाते हुए नंद के आनंद भय और जय कन्हैया लाल के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर राधा कृष्ण बिहारी ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश कुमार सतीश महाजन आदि लोग मौजूद थे। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब का हूँ, पठानकोट, पंजाब का उत्तर भारत का चेयरमैन हूँ, हिमाचल का प्रभारी हूँ और ये जो श्री राधा कृष्ण बिहारी ट्रस्ट है उसका वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो आज यहाँ गोवर्धन में आपने देखा कृष्ण जन्मोत्सव भागवत कथा का चौथा दिन है और एक ये पावन भूमि जो है बाबा की जो एक तपस्थली है वहाँ पे लक्ष्मीनारायण मंदिर में कथा हो रही, क्या कुछ कहेंगे? इसको देख कर कैसी अनुभूति हुई आपको? बहुत अच्छा लगा। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन था, सभी भगत झूम रहे थे, बाल कृष्ण का रूप था और बहुत आनंद आया। और अभी मैं कुछ 20 दिन पहले ही गोवर्धन जी के दर्शन करके गया हूँ, मैं तो परिक्रमा करके गया हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे को दोबारा इस घाटी पे आना पड़ा, भगवान ने फिर बुलाया, मैं फिर चला। तो ऐसी कथाएं जो ब्रज में होती हैं तो इसकी अनुभूति लेकर क्या कुछ ऐसा महसूस होता है आपको? मैंने ब्रज में कथा पहली बार सुनी है, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी हैं मदन मोहन जी अलंकार, मैं हर साल पठानकोट में बहुत कथा भी करवाता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से 2-3 साल नहीं हो सकता। तो ब्रज की कथा को लेकर अनुभूति कैसी आई? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, ब्रज भाषा में कथा का गुणगान हुआ है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।